जिंदगी की पहली राइड, वो भी इतनी लंबी राइड, मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने ये अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अभी अभी राइडिंग शुरू किया है और आज का जो सफ़र है वो है उज्जैन तक का। आज मेरी पहली राइड पे भगवान ने मौसम ऐसा सुहाना बना दिया है जिसका जवाब नहीं। देख रहे हो उधर कितना सुंदर सा लग रहा है एकदम। गाइज वेलकम बैक टू दिस वीडियो वंस अगेन। दिस इज एंडी राजपूत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि कहाँ की ट्रिप होने वाली है। जी हाँ, दिल्ली टू कन्याकुमारी की ट्रिप होने वाली है, वो भी एपिक वाली और मानसून में। तो भाई साहब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कि आप लोग देखोगे मानसून की वीडियो, वो भी दिल्ली टू कन्या कुमारी की। बहुत सारी पैकिंग करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है और कल सुबह निकलेंगे यहां से दिल्ली टू कन्याकुमारी के राइड पे, है ना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। तो अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, एकदम चकाचक धुल के और सर्विसिंग वगैरह सब कुछ एकदम टनाटन है और कल सुबह निकलेंगे दिल्ली टू कन्याकुमारी। वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। दिस इज एंडी राजपूत ऑन मोटो ब्लॉग मोड। तो भाइयों आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो ट्रिप होने वाली है यहाँ से, आई मीन दिल्ली से कन्याकुमारी तक का, दुर्घटना से देर भली। जी हाँ, पूरे 7000 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो आज का ये पहला टोल या जयपुर जाना है तो यहाँ से कितना टोल क्रॉस करना पड़ेगा? यहाँ से जाओगे आप आगरा से फिर लखनऊ वाली तो हाँ, आगरा से लखनऊ वाली, हाँ आगरा तक का 205 का है। आगरा तक 205 आगरा से होता हुआ आगरा, हाँ आगरा से होता हुआ आगरा लखनऊ जाएगा आगरा, उसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर आगरा तक कटेगा। यहाँ पे बस
यहाँ से आगरा तक का? हाँ, आगरा तक 205 का बैठेगा। अच्छा ठीक है, आगरा तक दे दो। कितने का? 205 का। अब थोड़ा रूट बता दूं मैं कि मेरा रूट क्या रहेगा। एक्चुअली उज्जैन जाने के लिए वैसे दो रूट है। पहला एक तो ग्वालियर होके जाऊं मैं, या दूसरा फिर जयपुर होता हुआ। तो मैं सोच रहा हूं कि ग्वालियर होके चला जाऊं। टोटल 12 घंटे 49 मिनट की जर्नी यहां से दिखा रहा है, 708 किलोमीटर। वैसे मैं जहां से चला हूं वहां से 766 किलोमीटर दिखा रहा था। मैं चला हूं गौर सिटी 2 से। गौर सिटी 2 से लेकर यमुना एक्सप्रेस वे के फर्स्ट टोल तक टोटल 60 किलोमीटर की दूरी तय की है मैंने। आज का दूसरा टोल। पेट्रोल पंप यहाँ से कितने दूर? 12 किलोमीटर। अरे यार फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ खत्म होने वाली है बिल्कुल। अब उस साइड कट है, 4 किलोमीटर पे आएगा पेट्रोल पंप। उस साइड जैसे ये जाल नहीं लगा ना, ऐसे जाल से आप जाके पेट्रोल लेके वापस आ जाना। 100 मीटर आगे चलना पड़ेगा उसके बाद में आपको, जैसे आपको उचित लगे वैसे हिसाब से कर लेना। फुल कर दो यार, एक मिनट। क्या रेट चल रहा है? 94। वो जैसे परी चौक से निकलते हो तो 35 किलोमीटर निकलने के बाद ही पड़ जाता हो जाएगी। तो बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब। हाँ यूट्यूब के लिए नोमैडिक एंडी। नोमैडिक एंडी कन्याकुमारी। हाँ बट आज उज्जैन तक है बस। नहीं आज उज्जैन तक है। हाँ आज उज्जैन हो गया। हो गया हो गया। टोटल 1025 रुपये की पेट्रोल आई है 10 लीटर। ये दिल्ली से कन्याकुमारी तक का ट्रिप है जी। यहाँ पूरे 7000 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है। और आज का जो सफ़र है वो है उज्जैन तक का। और उज्जैन में पहुँचूँगा शाम के 7 और 8 बजे के आसपास, बिकॉज कि अभी 8:30 हो चुके हैं। और मैं अभी अभी मथुरा में एंटर किया हूँ, और यहाँ से 11.5 घंटे की जर्नी दिखा रही है। लगभग 7 से 8 बज जाएगा उज्जैन पहुँचते पहुँचते। और उज्जैन जाने का मेन मकसद ये है कि भगवान महाकाल के दर्शन करने हैं, उसके बाद फिर वहाँ से ट्रिप की शुरुआत करनी है। तो मेरा ट्रिप कुछ ऐसा रहेगा, पहला यहाँ से उज्जैन, उज्जैन के बाद पुणे, पुणे के बाद गोवा, गोवा के बाद मुर्देश्वर, मुर्देश्वर के बाद मैंगलोर या फिर बेंगलोर, उसके बाद कोचिन, कोचिन के बाद कन्याकुमारी। तो ये कुछ ऐसा प्लान है। और कन्याकुमारी से वापसी में मैं जाऊंगा रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद तिरुपति बालाजी, और
तिरुपति बालाजी के बाद हो सकता है मैं फिर से बैंगलोर चला जाऊं, बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि बैंगलोर जा करके मैं कुछ दिन साउथ में ही रुकूं और उसके बाद पूरे साउथ को एक्सप्लोर करूं बाइक से ही। तो ये वहां जाने के बाद प्लान बनेगा कि हाँ मुझे वापस दिल्ली आना है या फिर बैंगलोर ही रह करके मुझे पूरे साउथ को एक्सप्लोर करना है। तो ये मैं बैंगलोर पहुँचने के बाद डिसाइड करूँगा। आगरा 50 किलोमीटर, कानपुर 295, कोलकाता 1286। माय गॉड, कोलकाता नहीं जाना भाई, मुझे जाना है कन्याकुमारी। तो अब लगी है भैया कुछ भूख, कुछ खा पी लिया जाए यार, रिफ्रेश हो लिया जाए, बिकॉज की चाय के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली मेरी। तो पहले तो चाय पी लिया जाए, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो चाय और मसाला डोसा आ गया है। ट्रिप की शुरुआत मसाला डोसा और चाय के साथ। क्या लग रही है यार अपनी फुल्ली पैक्ड मैट्योर, देख रहे हो है ना, वाह मस्त चकास। तो चाय हो गया, नाश्ता हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट उज्जैन के लिए। उज्जैन यहाँ से अभी भी 11 घंटे का सफर दिखा रहा है, तो मैं पहुँचूंगा करीब वही 7 से 8 बजे। यहाँ पे टोल नहीं लगेगा, बाइक की सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आपको टोल नहीं देना पड़ता, बट यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको टोल देना होता है। हमारे राइडर भाई साहब मेरे से कंपीट करते हुए तो आ जाओ भाई साहब, दो दो हाथ हो जाए। आज वैसे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बिकॉज फाइनली आज मैं अपने सपने को जीने के लिए निकल चुका हूँ। काफी दिनों से सोच रहा था, एक अंतराल से सोच रहा था कि भाई मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकलूंगा। ये सोचते वर्षों बीत गए और फाइनली आज वो दिन है कि मैं अपने सपने को जीने के लिए निकल चुका हूँ, वो भी अपनी मैट्योर 350 बाइक पे दिल्ली टू कन्याकुमारी। व्हाट अ ब्यूटी, क्या बात है भाई, इसी को तो कहते हैं रोड ट्रिप का मजा। अमेजिंग रियली, जिंदगी का मजा तो राइडिंग में ही है यार। ये भाई साहब कब से हमें चेस कर रहे थे, तो फाइनली अभी बात हुई उनसे, तो इनका भी चैनल है बोंग संजय करके, ये छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई राइडर मिल जाता है ना तो मजा आता है उनसे मिलके। वैसे अभी फर्स्ट टाइम एक बोर्ड दिखा कन्याकुमारी का, 2443 किलोमीटर। वाओ, अभी 2443 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यहाँ से, जिंदगी की पहली राइड, वो भी इतनी लंबी राइड, भाई क्या कहें, मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लंबी राइड, वो भी पहली राइड इतनी लंबी, दिल्ली टू कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी टू दिल्ली, समझ रहे हो आप? ओह माय गॉड। वैसे काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ी इसके लिए, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भाई करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन कब करूँगा ये पता नहीं था। भाई आपको बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ। मैंने ये अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अभी अभी राइडिंग करना शुरू किया है, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना बाइक लिया है। और फाइनली वो आज दिन है कि मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ। वाव, ये है अपना ग्वालियर। मौसम कमाल है, कुछ भी कहो। आज मेरी पहली राइड पे भगवान ने मौसम ऐसा सुहाना बना दिया है जिसका जवाब नहीं। देख रहे हो उधर कितना सुंदर सा लग रहा है, एकदम काले बादल सामने दिख रहे होंगे आपको उस साइड। अभी जैसे ही ग्वालियर से निकला था ना थोड़ी दूर आगे, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत टिप 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 चल रही थी, और जैसे ही 2 किलोमीटर आगे निकला वहाँ पे कुछ है ही नहीं। भाई कमाल है, कहीं धूप तो कहीं छाया, यही है प्रभु की माया। पिछले 3 घंटे भाई साहब वो गाड़ी भगाई है जिसका जवाब नहीं। सारा गैप कवर कर दिया मैंने। तो यार बताओ भाइयों, क्या हालचाल? मौज चल रही है ना भाई साहब? मौज चलती रहनी चाहिए, मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई साहब बाइक पे बैठो और ये नज़ारे आपको दिखें तो हो। अब फ्यूल अप पहले करा लें। क्या रेट चल रहा है? 108 रुपये। ओ माय गॉड। चलो इधर के हालात। इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि क्या बताएं यार, पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है भाई। उधर इतनी बारिश है जिसका जवाब नहीं, और इधर बारिश का नामो निशान नहीं है, ये देख लो। जाओ जी जाओ 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 जाओ, आपके पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, देख रहे हो? माय गॉड, ये है नज़ारे, इसको कहते हैं नज़ारे। ओहो क्या बात। तो उज्जैन अभी भी 230 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लगता है मैं पहुँचूँगा 10 बजे के आसपास, बिकॉज 6 तो बजने वाले हैं, और
अभी भी दिखा रहा है यहाँ से 4 घंटे 20 मिनट। तो भाई साहब 10-10:30 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा उज्जैन। तो भाइयों ये है NH 46, और मैं लिटरली आपको बताऊँ तो मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि NH 46 इतना बना होगा। देख रहे हो क्या बना के रखा है भाई NH 46। सूरजदेव डूबने वाले हैं, शाम के 6:04 हो चुके हैं और अभी भी मैं 220 किलोमीटर दूर हूँ अपने मंजिल से। क्या यार बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, अदरवाइज मैं अभी पहुँच चुका होता उज्जैन। मेरा प्लान था कि मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा, उसके बाद भगवान के दर्शन करूँगा शाम को, और उज्जैन में रात का नज़ारा बहुत अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत नाइट वॉक भी करेंगे, और उसके बाद कल सुबह भस्म आरती करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाएंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। ये देखो ये मूर्खों की कमी थोड़ी ना इस दुनिया में, ये देखा। ये है मेरे कपड़े और लैगेज के हालात देख लो। कल इतनी बारिश हो रही थी ना जिसका जवाब नहीं। चलो ये मेरा लैगेज तो बच गया बिकॉज़ कि ये वाटरप्रूफ है, सारे कपड़े बच गए जो उसमें रखे हुए थे। बट ये मेरा राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट और राइडिंग बूट भाई पूरी तरीके से गीला हो चुका है सारा। ये हेलमेट भी देख लो, ये सारे जितने भी थे ना जो मैं बॉडी पे कैरी कर रहा था सारा का सारा गीला हो गया। अब ये रखा है सूखने के लिए, देखते हैं कब तक सूखता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। यार रात को इतनी परेशानी हुई ना कि क्या बताऊँ, इतनी बारिश कि मैं क्या बताऊँ आपको। पूरे 200 किलोमीटर मुझे कल राइड करनी पड़ी, वो भी हेवी रेन में और विद नो विजिबिलिटी के साथ। भाई कल तो खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया रियली। तो चलिए सुबह के 7:30 बजे हैं अभी और मैं उठ चुका हूँ और तैयार हो चुका हूँ, चलते हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने। In 100 meters, turn right toward Lakherwadi Mark. Then turn left at Lakherwadi Chauraha. चलो अभी अभी बाबा के दर्शन किया, मजा आ गया लेकिन बाबा के दर्शन करके। दर्शन इतनी अमेजिंग हुई है ना जिसका जवाब नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा दर्शन होगा, बहुत ही अमेजिंग दर्शन है। गाड़ी के हालात ये देख लो भाई साहब, ये वो परफॉर्मेंस दी है ना कल जिसका जवाब नहीं रियली। देखो हर जगह कचरा कचरा बैठ गया बारिश के कारण, अब धुलाई जरूरी है इसकी। सुनना आओ मैं जा रहा हूँ अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए।